वात्सल्य ग्राम में सोमवार से प्रारंभ होगा विश्व का पहला अनोखा मॉडल कोविड केयर सेंटर। शीघ्र ही प्रारंभ होगा ब्रजवासियों की सुविधा के लिए जनरल हॉस्पिटल। कोरोना वायरस के संकट के समय में वात्सल्य ग्राम वृंदावन वासियों एवं ब्रजवासियों की मदद को आया आगे। यहां सोमवार से विश्व का अनोखा एकमात्र सबसे पहला ऐसा कोविड सेंटर प्रारंभ होगा जिसमें एलोपैथी के साथ आयुर्वेद भी जुड़ा होगा और आत्मबल को बढ़ाने पर विशेष जोर देकर प्रत्येक मरीज को स्वस्थ करने के लिए संपूर्ण प्रयास किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता करते हुए वात्सल्य ग्राम के प्रांगण में श्रद्धेय साध्वी दीदी माँ चितंबरा जी ने बताया कि वात्सल्य ग्राम हमेशा से समाज सेवा में अग्रणी है। वात्सल्य ग्राम ब्रिजवासियों के हित के लिए सदैव तत्पर है। इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी की संकट की घड़ी में आक्रांत है। सभी लोग डरे हुए हैं। इलाज के अभाव में जितने लोग की मृत्यु हो रही है उतने ही लोग आत्मबल की कमी से और अकेलापन के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए मन में भाव आया कि वात्सल्य ग्राम में कोविड सेंटर तो प्रारंभ हो लेकिन वह आदर्श सेंटर हो। यह 100 बेड का सेंटर होगा जिसमें बहुत अच्छे डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। 31 मई सोमवार दोपहर को 11 बजे वात्सल्य कोविड सेंटर का जो है लोकार्पण होने जा रहा है और उसके साथ स्वस्थ चिकित्सालय को भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। यहाँ कोविड से जो भी लोग पीड़ित होंगे उनका जो चिकित्सा है वो एलोपैथी आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी और हमारी अलग अलग तरह की जो विधाएं हैं मानसिक प्रसन्नता और आत्मिक बल के लिए उसको उसके साथ समावेश करके हम जल्दी से जल्दी उन लोगों को स्वस्थ और आरोग्य करने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद यहाँ अलग अलग तरह का जो जनरल अस्पताल है वो चालू हो जाएगा और 11 बजे 31 मई को आदरणीय पीयूष गोयल जी इसका लोकार्पण करेंगे और भी राजनैतिक सामाजिक आध्यात्मिक शक्तियां उस समय वर्चुअली हमारे साथ होंगी। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को ये निवेदन कर रही हूँ कि वात्सल्य ग्राम का एक सेवा का पुष्प उनके चरणों में अर्पित होने जा रहा है। मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ लें और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह की बीमारी किसी को ना लगे और उनको इस तरह की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो हम जैसे सेकंड वेव में गच्चा खा गए और पूरी हमारी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हुए बहुतों ने अपनों को खोया वो बहुत दुखद है क्योंकि 26 साल के 25 साल के 30 साल के 48 साल के और छोटी मतलब तरुण लोगों को भी इस कोरोना कोविड ने हमसे छीन लिया। मथुरा से पवन गुप्ता की रिपोर्ट।